18 साल 4 महीने ते 14 दिन दी आरजू एक सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी दी, जेड़े नाना गुरु ने बोल कहे सी गोद लैके कि दोहता बाणी का बोहता बनेगा। इस उम्र में आके गुरु अर्जन साहब महाराज सिंघासन ते बैठे, गुरु नानक साहब जी दी जोत पंजवां जम है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटिए। अरदास करदे आं कदे इस गल दा आपां ख्याल करिए कि गुरु तेग बहादुर महाराज तक अरदास दे बोल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे। उस तो बाद खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास, खालसे विच ते गुरु विच कोई अंतर नहीं। सिख कौम दे महान कवि कवि संतोख सिंह होए, चूड़ामण कवि होने का उन्होंने खिताब मिलिया। सिख इतिहास का बड़ा वड्डा खजाना उन्हां पंथ की झोली विच पाया। उन्होंने एक दोहरा लिखिया, कहिंदे खालसा गुरु है, गुरु खालसा करो मैं अब जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीन्यो, शंक ना करीजे सावधान होए दीजे अब अमृत छकावो मुहे जैसे तुम लीन्यो। इहदा अर्थ यही है कि गुरु विच ते खालसे विच अंतर कोई नहीं। जे गुरु ने गुरु तेग बहादुर महाराज तक अरदास दे बोल उचारे है, उस तों बाद दे बोल खालसे दी रसना तो है। समुची अरदास कह लिए ये अकाल पुरख वाहिगुरु की रसना तो ही, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते अरदास दे पहले पड़ा की समाप्ति वेले आपां गुरुआं शब्द नहीं वरतदे, भाई साहब जी भाई जसपाल सिंह जी अरदास करते ने। हुण भी समाप्ति की अरदास सुनी, कोई भी अरदासी है कोई भी सिख है अरदास करता है तो कहिंदा है दस पातशाहियां दी आत्मक जोत। पातशाहियां शब्द है, गुरुआं शब्द नहीं। अर्थ यह है कि गुरु दास नहीं है, दास जामे धारण किए है, गुरु इको ही है। गल गुरु अर्जन साहब महाराज जी की चलनी है, पंचम गुरदेव आप कहने पंजवें पातशाह ने। जदों गुरु नानक दे तख्त ते गुरु पंजवां बैठा आण, उन्हों मत्थे टेके देवत्या सिजदे करे जहान, उहदे चरणा उत्ते झुक गया जिमी ते असमान, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ, ਛਾਲਿਓ ਸਾਲੀ ਸਰੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਜਲਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ शिकवा नहीं शुक्र है, प्रभ की आग्या आत्म हितावे जीवन मुक्त सोख हवे। जदों बाणी पढ़ते और ये बाणी पढ़ते हैं सानू पता लग जाना चाहिए कि सतगुरु महाराज ने जे अपनी रचना तो बाणी उच्चारण आप की है तो उन्होंने प्रैक्टिकल आप कमाया। पहला आखो सतनाम श्री वाहे। जिक्र कर रहा सी जदों गुरु नानक दे तख्त ते गुरु पंजवां बैठा आण, उन्होंने मत्थे टेके देवत्या सिजदे करे जहान, ओदे चरणा उत्ते चुक गया जीमी ते असमान, उन्हों दुनिया सारी आख्या धन सोढ़ी सुल्तान। वह शांतमई का पुंज सी, ओदी आत्मा सी बलवान, असली रूप अकाल दा उन्हों पट्टा लिया पछाण, ओदे हरमंत्र दियां पै गईयां तुम्मां विच जहान, ओदे लंगरों रोटी खावदे हिंदू ते मुसलमान, उन्हें बद्दी भीड़ ग्रंथ दी सब छड के वेद पुराण, कई ईरखा करी पखंडियां पर मन गए विद्वान, झट बादशाह दे कोल पहुँच गए कई निंदक बेईमान, जी का वाहगुरु राखा दिल बरा झुलते रह निशान। सुनियो ढाडी जत्था हाजिर कर लगा, उस तो बाद सतगुरु महाराज जी की शहादत के प्रसंग में मैं थोड़े शब्दों में कहने का यतन करांगा। पहला गुरु महाराज के चरणों के अरदास है, पंजवें गुरु शहीदा दे सरताज, सतगुरु जी तेरे शरणी आए रखनी लाज सतगुरु जी।
जब लो नहीं पागल लारी उदय तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो काल घोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप योजन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो फिर संकट जोन गर्भ नायो पंजवें गुरु शहीदां दे सिर ताज सतगुरु जी तेरे सरनी आए रखनी लाज सतगुरु जी तेरे सरनी आए रखनी लाज सतगुरु जी जोन गर्भ ना आया है मुक्ति बख्शो दाता मुक्ति बख्शो साडी भी फरियाद सतगुरु जी तेरे शरणी आए रखनी लाज सतगुरु जी तेरे शरणी आए रखनी लाज सतगुरु जी अगण बख्शी साडे सतगुर बख्शण हारा तू जिद टेक न कोई ओदा बने सहारा तू जिद टेक न कोई ओदा बने सहारा तू हिरदे कुक पुकारा हिरदे कुक पुकारा सुनो आवाज सतगुरु जी तेरे शरणी आए रखनी लाज सतगुरु जी तेरे शरणी आए रखनी लाज सतगुरु जी तन सोडी सुल्तान हो तन सोटी सुल्तान तेरी तन कुर्बानी है लखा पीर पैगंबर तेरा कोई नासानी है दुनिया कर दे तेरे उत्ते दुनिया कर दे तेरे उत्ते लाज सतगुरु जी तेरे शरणी आए रखनी लाज सतगुरु पंजवें सतगुरु नानक पंजवें गुरु शहीदां दे सरताज सतगुरु जी तेरे शरणी आए रखनी लाज सतगुरु जी।
रखनी लाज सतगुरु जी। आओ गुरु चरणा तो बख्शिश लेंदिया होया सारे मिलके आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। जेड़े अजे भी वांझे रह गए एक बारी सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सरदार गुरमीत सिंह जी, बीबा अमरजीत कौर तिन्हां वल्लों अपने पोतरे हरजोत सिंह दे जन्म की खुशी नूं मुख रखदिआं होइआं परसों रोज तो अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाई सी। भोग पए ने उपरंत दीवान सजे है। परिवार की चढ़ती कला वास्ते संगती रूप दे विच पहलां वी अरदास होई ते समाप्ति वेले भी होनी। सत्कारयोग माता गुरदेव कौर जी उन्हां दे परिवार वल्लों लंगरां दी सेवावां कीतीआं गईआं, जथिआं दीआं सेवावां कीतीआं गईआं। महाराज चढ़ती कला की दात बख्शिश करे। पहला भी बेनती की सी कि जो चंदोआ साहब ये सारी सेवा सरदार दविंदर सिंह जी उन्हां दे परिवार वल्लों हुई है, महाराज परिवार को चढ़ती कला की दात बख्शिश करे। और सरदार कुलवीर सिंह जसविंदर सिंह जी होना वल्लों एक लोड़ सी सानू लंगर हाल विच वड्डे टीवी की बेनती प्रवान की, उन्हां वल्लों ये सेवा की, महाराज सारिआं नूं ही चढ़ती कला की दात बख्शिश करे। आओ सुरत करके मैं तुहानूं गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तक लजाना चाहुंदा हां। जदों तुसी गुरधामां दे दर्शन करोगे गोइंदवाल साहब तो जे तुसी अगे तरन तारण साहब नूं जाणा ते दो रस्ते, एक रस्ता वाया खड़ूर साहब होके जांदा है तरन तारण साहब नूं, और दूसरा रस्ता जिहड़ा है वाया फतेहाबाद। ये दोवें तरन तारण साहब नूं गोइंदवाल साहब तो जाण लग्गिया दो रस्ते ने। इन्हां दो रस्तियां विच्चों जिहड़ा भी रस्ता चुण लो। जे तुसी वाया खड़ूर साहब जाओगे तो रस्ते दे विच बहुत सारे ऐसे पिंड ने जिथे गुरु अंगद देव महाराज जी दीआं बख्शिशां ने, खड़ूर साहब तो है ही। और फतेहाबाद भी इतिहास की बड़ी वड्डी एक महत्ता है। बादशाह जहांगीर अपने पुत्र खुसरो दे मगर लगा होया इथों तक पहुँच गया। इत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाउण वाले किहड़े किहड़े लोग ने, जिथों गल शुरू होण लगी गल नूं समझ लिओ। बिल्कुल फतेहाबाद के नेड़े एक पिंड है खवासपुरा। खवास खां एक नवाब सी बादशाह जहांगीर वेले होया। उन्हें बादशाह का जो पता लगा जहांगीर के आने का उन्हें रोटी वरजी। रोटी का तो एक बहाना सी, असल में वह गुरु अर्जन साहब महाराज जी के खिलाफ उन्हां सरवरियां दे नाल है, उन्हां सुल्तानियां दे नाल है, उन्हां मुल्ला मुलाणियां काजियां दे नाल है, चंदू दे नाल है, जिहड़े इक्को आवाज़ में कहिंदे ने कि इस्लाम हिंदुस्तान की धरती तो मिट जाएगा जे गुरु अर्जन साहब महाराज जी वालों किए सिखी प्रचार प्रसार नू ना रोकया गया। बड़िया वड्डिया कहानियां घड़ियां गई। भगत काना आया सी बाणी दर्ज करवाउण वास्ते, योग नहीं सी, महाराज ने इनकार कर दिता। भगत पीलू आया, भाई भगत छजू आया, शाह हुसैन आया, ये सारे आए, पर महाराज कहिंदे गुरमत दे अनुकूल नहीं। बाकी चुप कर गए, पर जिहड़ा काना सी ना इहने बड़े बोल कबोल बोले। जांदिया जांदिया रस्ते विच इहदी वापसी जांदिया कलानौर तक पहुँच नहीं सकिया, मौत हो गई। इहदी मौत का दोष भी गुरु अर्जन साहिब महाराज के सिर मर दिता गया। चंदू ने आवाज़ चुकी क्योंकि चंदू का यह रिश्तेदार सी कलानौर जिथे बादशाह अकबर की ताजपोशी हुई है। एक मुहावरा तुसी सुनिया होगा भी जेड़ा नहीं गया लाहौर हो आवे कलानौर, क्योंकि कलानौर भी इतिहास की एक महत्ता है कि कलानौर ताजपोशी वेले अकबर बादशाह वेले चंदू ने कहा सी जिंदाबाद बादशाह। इहदी पहुँच वधनी शुरू हो गई। फिर बादशाह जहांगीर वेले कई ने यह नायब किया इनू, पर कई ने कहा कि उच्च अहुदे ते वड्डा सलाहकार सी। पृथ्वी चंद के मुकदमे का यह वकील भी बनया, क्योंकि पृथ्वी चंद भी महाराज जी के खिलाफ गया सी, उन्हें शिकायत दर्ज करवाई, मुकदमा दर्ज करवाया। चलो खैर गल मैं बहुती लंबी ना करा। रोटी वर्जी खवास खां ने, नवाब ने, जहांगीर आ गया। हुण बादशाह की रोटी वर्जना सौखी गल नहीं सी, कोई पहुँच होगी तो ही है ना बादशाह की रोटी वर्जी। इत्थे जदों ये गल चली कि बादशाह जहांगीर पिछा करता करता आया सी कि खुसरो नूं जिन्हां जिन्हां ने मदद की उन्होंने गिरफ्तार करके तकड़ियां सजावां दिंदा रहा। इत्थे आके उन्हें पुछया कहिंदे भी की खुसरो नूं पनाह गुरु नानक दे घर विच भी मिली है? कहिंदे जी हाँ। कहिंदे उहदे नाल जिन्नी फौज सी उस फौज नूं रोटी किहने वरजी है? कहिंदे जी सूफी फकीरां ने जिहड़े फतेहाबाद दे रहण वाले है, क्योंकि हज़ारां दी गिणती दे विच लोग सन। जिहड़ी ये गल बड़े जोर नाल कही गई कि गोइंदवाल साहब आके बादशाह अपने
जहांगीर दे पुत्र खुसरो ते उहदे साथियां नूं लंगर छकाया, बादशाही दी असीस दित्ती जिथों गल जरमाने तक गई। इह कहानियां घड़ियां गईयां। असल विच जिहड़ा खुसरो है ना, उह गोइंदवाल साहिब ना तरन तारन साहिब गया, उह फतेहाबाद पहुंचा सी, क्योंकि सूफी फकीरां ते बड़ा सूफी फकीरां दे दिलां अंदर बड़ा सत्कार सी उहदे प्रति। अकबर दीआं नीतियां ते चलण वाला उहदा पुत्रा सी, उहदा पुत्र नहीं सलीम जिहनूं जहांगीर दा खिताब मिलिया। जहांगीर ते ऐश इशरत दे विच डुब्बिया होया, एक शराब दे प्याले बदले सारा देश वेचना चाहुंदा सी। हुण बादशाह जहांगीर ये नहीं सी सुनना चाहुंदा कि गुरु अर्जन साहिब महाराज ते पहले ही सोचदा सी कि गुरु अर्जन साहब के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा दोष मढ़िया जाए जिदे नाल मैनू सौखा हो जाए, क्योंकि सिखी दे प्रचार ते प्रसार वास्ते रोक लाउण वास्ते जहांगीर ने लख जतन किए सी, पर भाई मंझ वर्गे सरवरीए भी सिख हो गए। तुहानू पता है पंजाब दे विच अजे भी बहुत एक वड्डा फिरका है सरवरीए ते सुल्तानिया दा। असीं भी कबरां दे पुजारी होए बहुत लंबा समा, अजे भी कुछ जिले हैगे ने जिन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਬਰ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੀਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਸਪੁਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਪਾਰਸੀ ਆਵੇ, ਊਚ ਆਵੇ, ਨੀਚ ਆਵੇ, ਜੋਗੀ ਆਵੇ, ਜੰਗਵ ਆਵੇ, ਪੰਡਿਤ ਆਵੇ, ਸਰੇਵੜਾ ਆਵੇ, ਰਾਜਾ ਕੰਗਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਦਰ ਘਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵਰਜੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਢੋਲ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਵਰੀਏ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਆਪ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਰ ਮੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮਾਜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
धन अर्जन देव गुरु मुखो खरिया आख सुना दे जो रब दे प्यारे ने नहीं ओ जुल्म वेख घबरा दे जो रब दे प्यारे ने नहीं ओ जुल्म वेख घबरा दे तन गुरु नानक दारना निर्मल पंथ न्यारा सच सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा अस सिखिया बढ़िया तो सदा ही रब दी रजा च रहना हक सच ते धर्म ले पाना सतकर मनना पैना हक सच ते धर्म ले पाना सतकर मनना पैना जो सब दा मालक है हो जो सब दा मालक है जिसदा सब पासे बदरतारा सच सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा रब नू परवान होवे जेड़ा दुख सुख सम कर जाने मिठे कर मन लेंदा हुंदे कर दे दे जो पाने मिठे कर मन लेंदा हुंदे कर दे दे जो पाने ओ मुक्ति पा लेंदा जिनू एक दा ओट सहारा सच सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा बाबे ते बाबर दी टक्कर कई पुछता तक रहनी बाबे के जितन गे बाबर हार मननी पैनी बाबे के जितन गे बाबर हार मननी पैनी लिख दसना सागर ने सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा सच सुन ले शाह तू सानू जानो धर्म प्यारा असी सच धर्म वास्ते कुर्बानी देने लई शहादत देने लई तैयार हां तेरियां ये झूठियां शर्तां मनन लई तैयार नहीं नाले जहांगीर अज की यह गल पीढ़ियां तक तुहानू याद रहेगी कि जिहड़ी बाबे ते बाबर की टक्कर शुरू हुई सी ना इमनाबाद की धरती तो वो टक्कर एक वक्ती नहीं पुश्त दर पुश्त चली ते चलदी रहेगी बाबे ते बाबर की टक्कर पुश्त दर पुश्त चली कदे बाबर सामने होया ते गुरु नानक देव महाराज ने सीना तान के कहा सी बाबर तू जाबर फिर बाबे दे गद्दी नशीन गुरु अंगद देव महाराज के सामने बाबर का पुत्र आया हमांजू शेर शाह सूरी को हार के बेमयान कर लगा तलवार गुरु अंगद देव महाराज कहिंदे बुजदली ते कैरता है जिहड़ी तलवार एक फकीर ते चुकन लगा है शेर शाह सूरी अगे क्यों खुंडी हो गई चरना ते टह गया जित हुंदी आई बाबे क्या दी बाबर क्या दी हार हुंदी आई पीरी नाल मीरी टकरांदी रही है मीरी झुकदी रही मीरी हार मनदी रही अज फिर समा आ गया पर जल्दी नहीं अगे गल कुछ होर सी पर हुण गल कुछ होर है हुण बादशाह एडा जनूनी है इन्ना तवस्मी है जिहड़ा आप ही लिख रहा सब कुछ
ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾ ਮਲਾਣੇ ਕਾਜੀ ਰਖਾਲੂ ਲੋਕ ਉਹ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਾਨ੍ਹੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਰਵਰੀਏ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਸਰਵਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਵਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਧਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਰੇਗਾ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਵਰਗੇ ਸਰਵਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਰ ਢਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੰਡ ਨੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਡਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਉਹ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਸਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਲਹੂ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਕਮ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵੰਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਈਸਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਨਸੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ, ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੰਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੈਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਡੋਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਰੀਕਤ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮਾਰਫਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੱਕੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਮਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਵੇ ਕੌਣ ਜੋ ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਅਗਨੀ 'ਚੋਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਬਦਲ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਇਕੋ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਰੂਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਆਸਣ। ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਗਾਉਂਦੇ
रूप रब दे रबी गुरु पाणी नू तेरा किया मीठा लागे मुखों को दे रोवे तरती अंबर ताहा मारिया साईं मियां मीर कहन लगा महाराज एक इशारा कर दे तू मैं तेरे इशारे विचो समझ आवांगा मैनू हुक्म कर दे जिन्नी पीरी भगती मैं कमाई है मैं दसा भगती जी शक्ति की है करामती पख तो विचार के साई मियां मीर ने कहा महाराज इशारा कर मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट कर दे महाराज इशारे नाल कहिंदे ने दिलां दीआं जानण वाले कहिंदे साई तेरा ते ना ही साई साई दास और रब दे दास बन के रब दे दास हो के भी इना वीर रस विच तुसी आ गए हो की तुहानू पता नहीं गुरु नानक दे घर दे विच शक्तियां जिहड़ियां वरत रहियां ने ओह जा रहा ने तुसी सानू कह रहे हो कि दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट कर दिओ गुरु नानक महाराज भी कर सकदे आ पर हुक्म नहीं अकाल पुरख होए महाराज शानदार चंदोया थले आसन लाउण वाले शानदार सिंघासन उत्ते आसन लाउण वाले चंदोया तुहाडे सीस ते सोहणे चंदोए तणे हुंदे सन महाराज फुल्लां दी वरखा हुंदी सी शरधालू से खड़े हुंदे सी सब कुछ मैं वेख रहा हो रहा शरधालू सिखां दी थां जलाद नंगियां तलवारां लै के तलवारां दे छाए थले तुहानू तपदी तवी ते बिठाया तुसी सिंघासना ते बहण वाले ते महाराज कहिंदे उनू लोड़ की मखमली चाननी दी जिथे सबर दी चाननी तनी होवे उनू खौफ की जग दे दुश्मना दा जी दी नाल प्यारे दे बनी होवे नाग दुखां दे उनू नहीं डंग सकदे जी दे कोल एक सुखमणी दी मणी होवे उनू अग दे अंगियारियां साड़ना की जी दे कोल एक नाम दी कणी होवे रोवे तरती अंबर ताहा मारिया पंछी आलणियां विचों पुर लौंदे कैर हो रहा डाडा कैर हो रहा समाधि च फर्क कोई नहीं जिवें हरिमंदर साहब है उवें तपदी तवी ते है सतगुरु महाराज अडोल बैठे ने चेहरे दा जलाल नूर अगे नालों भी ज्यादा है गर्म रेता दे कड़छे भर भर के पठियारा भरपूंजा पा रहा है महाराज दा शरीर छालियो छाली हो रहा है शरीर दी चरबी टल टल के पट्ठी विच पै रही है सरड़ सरड़ दियां आवाजां आ रही हैं साईं मियां मीर वर्गे फिर कहिंदे ने महाराज की खेड वरता रहे महाराज कहिंदे कुरबानी दा बीज बीज रहे हां असीं रखणियां सी दो नीहां इक कुरबानी दी इक हरिमंदर दी इक तूं रखी इक असां रखणी ए चाह है साडे अंदर देखिया जिहड़ा बीज बीजण लगे ने रुख बनना है अपने तो बिना अपने घर दे पंज जीआं दा खून मैं इस बूटे दीआं जड़ां च पा के इहनूं इन्ना कु प्रफुल्लत कर देंगा कि रहिंदी दुनिया तक इस बूटे ने सुकना नहीं क्योंकि खून शहीदां दा मुकणा कहर हो रहा डाडा कहर हो रहा पापी जालम हो जुलम कमाउंदे पार पार के सिकड़ शेरेत दे Thank you.
सच्चे गुरा दास तक अज मौदे गुरु डोल जावे अपने ईमान तो काजी मुल्ला दे चंतू जहे चौदे काजी मुल्ला ते चंदू जहे चौदे तन सोटी सुल्तान गुरु सागरा नाल सब रांदे सिद्धक बदौदे नाल सब रांदे सिद्धक बदौदे नाल सब रांदे सिद्धक बदौदे फुल इस दे खिलर जाणगे इउं संसार अंदर कोई चांदनी चौंक नूं भाग ला सी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर मैं कुठू चमकौर दी जू सारी टुटे दो फुल जदों बहार अंदर अध खिड़े ही टाणियों तोड़ के ते चिण दाएगा कोई दीवार अंदर बनी रहेगी सदा बहार इस ते लागे खिजाने इस दे टुकना नहीं रहिंदी दुनिया तक इस बूटे ने सुकना नहीं क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। एक बारी सारी संगत पंचम गुरदेव गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत नू सुरत विच लिया के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब विखे हफ्तावारी सजे दीवाना दियाँ हाजरियां भरी संगत जी धन्यवाद। बेनतियां कीतियां सी कि जिहड़ा छोटा लंगर हाल